नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर इन दिनों काफी तीखे हैं। आज एक कार्यक्रम में उन्होंने फिर दोहराया कि प्रदेश में असामाजिक तत्वों के जितने भी अवैध कब्जे हैं उन्हें तत्काल नेस्तनाबूद कर दिया जाए। प्रशासन को इस मामले में उन्होंने फ्री हैंड देने का ऐलान भी किया है। राजधानी की प्रशासन अकादमी में आज अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर गुंडे बदमाशों पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए अधिकारी हर जरूरी कदम उठाएं, लेकिन जिन असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से जमींदोज कर दिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि इस काम के लिए अधिकारियों को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जितने मैं कह रहा हूं कलेक्टर्स को, सबको, जितने गुंडे बदमाशों के अवैध अतिक्रमण है ध्वस्त करना है, तोड़ना है, पुलिस का पूरा साथ, उनको छोड़ना नहीं है। बेईमान वचन और ईमानदार सत्य, गरीब परेशान ना हो, सरकार की सीधी सीधी नीति है। और इसलिए पुलिस वाले कहें कि गुंडा इसका अवैध अतिक्रमण तोड़ना है और अपन कहे कि नहीं परमिशन लेनी पड़ेगी, अरे काहे की परमिशन, तोड़ो तारो एक तरफ करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हम तो कहते हैं क्योंकि बदमाशों को सबक सिखाना जरूरी है और विशेषकर मां बहन बेटी की तरफ गलत आंख से गलत नजर रखने वाला मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पर, किसी भी सीमा तक जाऊं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि इस काम में ध्यान रखना होगा कि गरीब लोग परेशान ना हो। अवैध कॉलोनियों को 15 अगस्त तक वैध करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। ये फैसला पूरी मानवीय संवेदना के साथ हमने लिया है। कलेक्टर भी नोट कर लें, नगर निगम के सीएमओ भी नोट कर लें, नगर निगम के कमिश्नर्स भी और सीएमओ भी, अफसरी नहीं चलना है, वैध ही करना है। नगरी प्रशासन मंत्री माया सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुरूप अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी अवैध कॉलोनी है उनको वैध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाइए आप, तो हमने उस हिसाब से नियम बनाए हैं और उन नियमों के तहत ये हम प्रदेश की कॉलोनियों को, अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनी का करेंगे। और उसमें ये रखा है कि जहाँ पर मतलब 1000 वर्ग फुट से कम के प्लॉट हैं और जो वहाँ लोग रहवासी हैं हमारे निम्न आय वर्ग के, वैसे तो उनको सिर्फ वैध करने के लिए जो विकास शुल्क है उसकी 20% राशि उनसे ली जाएगी और 80% नगरीय निकाय बहन करेगा। बहुत सारे ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ लोगों ने, जिनको जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ज़मीन है, पैसों से खरीदी हैं, रजिस्ट्री कराई हैं, उसके बाद मकान बनाए हैं, लेकिन वो मकान अवैध हैं और उनके सर पर हमेशा ये तलवार लटकी रहती है कि किसी न किसी दिन हमारी कॉलोनी तोड़, घर तोड़ दिया जाएगा। तो अब ऐसा नहीं होगा, उस निर्देश के अनुसार सभी जगह शिविर लगाकर और इन कॉलोनियों के वैध करने की प्रक्रिया को हम जल्दी ही प्रारंभ करेंगे। भोपाल से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता सुजीत लांजेवार की रिपोर्ट। फ्यूचर ऑफ मीडिया इज डिजिटल टेलीविजन। इंडिया फर्स्ट मोबाइल न्यूज में सबसे आगे है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इंडिया फर्स्ट, सटीक, एक्सक्लूसिव और डिजिटल पिक्चर क्वालिटी। इंडिया फर्स्ट आपको रखता है हर वक्त अपडेट। तो जुड़िए डिजिटल न्यूज के आधुनिक संसार से, जुड़िए इंडिया फर्स्ट से। सब्सक्राइब नाउ indiafirst.online।